खरगोन जिले में बेड़िया थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई, जिसके चलते रविवार को बवाल मच गया और परिजन शव को लेकर थाने पहुंच गया, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद वो रात को थाने पर रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, लेकिन यहां पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, गाली गलौज कर थाने से बाहर निकाल दिया। इस घटना से पीड़ित परिवार सहित लोगों में आक्रोश देखा गया। हालांकि उन्हें समझाने के लिए मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आदिवासियों ने थाने के अंदर शव रख दिया था। मामला कल रात्रि में अम्बा रोड पर बस से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें राशि पिता रेमा राशि दिलवानिया का था, एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस को करीब 9 बजे सूचना मिली, जिस पर तत्काल SI दुबे और SI शीतल सिंगार एवं फोर्स मौके पर पहुँचा, और वहाँ उस समय जब देखा तब वह उसकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस ने जो है तत्काल उसको वाहन की व्यवस्था करके अस्पताल तक लाई, लेकिन तब तक उसकी डॉक्टर ने उम्र घोषित कर दी। रात में ही FIR दर्ज की गई, गाड़ी का नंबर पता किया गया और FIR दर्ज करने वाला आज सुबह PM कराया। PM कराने के पश्चात अचानक से जो मृतक के गांव वाले थे एवं परिजन थे, वह शव को लेकर थाने आ गए और मांग करने लगे कि जो बस ने एक्सीडेंट किया था वह बस को जो है तत्काल थाने पर लाए, जबकि रात्रि में ही बस जो है खरगोन यातायात थाने पर हमने खड़ी करवा दी थी, और उसके बाद हम लोगों ने बस को यहाँ लाकर खरगोन से यथावत उसको थाना परिसर मीडिया में रखवाई है, जबकि कार्रवाई की जाएगी और इसमें ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये अभद्र व्यवहार के बारे में बता रहे थे आपके खिलाफ और SI अजय दुबे को लेकर, ये कब व्यवहार का गलत बता रहे हैं, दुबे का कब बता रहे हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं है। और जो मेरे बारे में जो बता रहे हैं, तो ये मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार की मतलब बात बोल रहे हैं, जबकि ये रात में FIR कराने आए थे तब मैं यहीं मौजूद था रात के 10 बजे। मेरे द्वारा ही जो है पूर्व से माथी गैर व्यक्ति यहाँ FIR के लिए बैठा हुआ था, उसको मैंने एक तरफ उसको बोल के कि पहले इनकी FIR हो जाए, सबसे पहले मैंने इनकी तारीख की टाइम मैंने मृतक परिजन को करवा कर दी है। अब इनका जो कहना है वो भी जो आरोप है हमारी निराधार है। थैंक यू। उसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आदिवासियों ने थाने के अंदर शव रख दिया था। मामला कल रात्रि में अम्बा रोड पर बस से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें राशिक पिता रेमा राशिक दिलवानिया का था, एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस को करीब 9 बजे सूचना मिली, जिस पर तत्काल SI दुबे और SI शीतल सिंगार एवं फोर्स मौके पर पहुँचा, और वहाँ उस समय जब देखा तब वह उसकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस ने जो है तत्काल उसको वाहन की व्यवस्था करके अस्पताल तक लाई, लेकिन तब तक उसकी डॉक्टर ने उम्र घोषित कर दी। रात में ही FIR दर्ज की गई, गाड़ी का नंबर पता किया गया और FIR दर्ज करने वाला आज सुबह PM कराया। PM कराने के पश्चात अचानक से जो मृतक के गांव वाले थे एवं परिजन थे, वह शव को लेकर थाने आ गए और मांग करने लगे कि जो बस ने एक्सीडेंट किया था वह बस को जो है तत्काल थाने पर लाए, जबकि रात्रि में ही बस जो है खरगोन यातायात थाने पर हमने खड़ी करवा दी थी, और उसके बाद हम लोगों ने बस को यहाँ लाकर खरगोन से यथावत उसको थाना परिसर मीडिया में रखवाई है, जबकि कार्रवाई की जाएगी और इसमें ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये अभद्र व्यवहार के बारे में बता रहे थे आपके खिलाफ और SI अजय दुबे को लेकर, ये कब व्यवहार का गलत बता रहे हैं, दुबे का कब बता रहे हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं है। और जो मेरे बारे में जो बता रहे हैं, तो ये मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार की मतलब बात बोल रहे हैं, जबकि ये रात में FIR कराने आए थे तब मैं यहीं मौजूद था रात के 10 बजे। मेरे द्वारा ही जो है पूर्व से माथी गैर व्यक्ति यहाँ FIR के लिए बैठा हुआ था, उसको मैंने एक तरफ उसको बोल के कि पहले इनकी FIR हो जाए, सबसे पहले मैंने इनकी तारीख की टाइम मैंने मृतक परिजन को करवा कर दी है। अब इनका जो कहना है वो भी जो आरोप है हमारी निराधार है। थैंक यू। समाज को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया है, क्या कहेंगे आप? अभी 1 घंटे पहले मुझे मालूम पड़ा कि डाबी के पास में
बेड़िया थाना अंतर्गत नरसिंह हमारे आदिवासी समाज का युवा साथी था। एक बस ने उसे टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हुआ, वो शांत हो गया और आदिवासी समाज के सभी करीबन 150-200 समाज के गणमान्य लोग आदिवासी समाज के बैठे हैं थाने पर, लाश पर रखे बैठे। अच्छा विषय नहीं है, मुझे बुलाने का उन्होंने निवेदन किया, मैं आया हूँ। और जो मुझे बताया गया कि PI ने इनके साथ अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी, अजय दुबे ने गाली गलौज करी, कल रात से लोग बैठे, इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, इनको भगाया गया और बस को खरगोन पहुंचा दिया गया। तो मैं आज सब आदिवासी समाज के भाइयों को मैंने आश्वस्त किया है कि आपके साथ न्याय होगा, हम बस को वापस बुला रहे हैं और संबंधित अधिकारियों पर SP साहब से मिलकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैंने तात्कालिक रूप से मेरी तरफ से अंत्येष्टि के लिए परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये अभी देने की घोषणा करी है। और नरसिंह भाई की 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जब तक सचिन बिरला विधायक है, 5 बच्चों की जिम्मेदारी के रूप में 5,000 रुपये, 25,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके परिवार देने की मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। ये लोग सभी मान गए, बस के आने पर अंतिम संस्कार नरसिंह भाई का होगा। और सरकार हमेशा आदिवासियों के हितों की रक्षा करते आई है और अब भी हम सब लोग आदिवासी भाइयों के साथ हैं, उनके हितों की रक्षा करेंगे और नरसिंह भाई को न्याय मिलेगा। बस भी आएगी, ड्राइवर पर कार्रवाई होगी और संबंधित थाने के दोनों अधिकारियों पर भी कार्रवाई कराएंगे, मैं उनको आश्वासित करूँ। और बस वो थाने में हमारे सामने यहाँ मौजूद है और हमने कल से रिपोर्ट लिखवा दी थी। कल से रिपोर्ट कितने बजे घटना हुई थी? ये कल करीबन 7-8 बजे। हाँ, 7-8 बजे कल शाम में घटना हुई। हाँ, तो बॉडी जब भी लेकर आ गए थे आप, ये होने के बाद लाए? जब ले आए थे नहीं, वहाँ से उठा के ले आए थे। थाने में क्या आपके साथ बदतमीजी हुई? थाने में हम रात को रिपोर्ट लिखवाने आए तो TI साहब ने बोला कि यहाँ से बाहर निकलो, तो गाली गलौज से बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि बाहर क्यों निकले हम, ये कौन सा तरीका है आपका बात करने का? तो बोले कि बाहर निकलो। थाने तो बाहर क्यों निकले? मैंने बोला कि हम रिपोर्ट लिखवाने थाने में आए हैं, तो थाने में नहीं रहेंगे तो क्या रोड पर बैठेंगे? हमारे कहने का ये मतलब, तो ये गाली गलौज बंद किए जाए और जो भी आदिवासी जहाँ आता है रिपोर्ट लिखवाने आता है तो उसको डायरेक्ट ये लोग ऐसे करते हैं कि ये मादर जो बेंचो बाहर निकल, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तो इसलिए थाना बना है क्या? नहीं तो आपके क्या दे रहा है? आपका आपके पास ये न्याय नहीं है, ऐसा बोल दे कि हमारे पास ये न्याय नहीं है तो तुम्हारा थाना बंद कर दो और आप अपने घर चले जाओ, हमारा यही कहना पड़ रहा है। अभी TI साहब ने आपसे बातचीत की, उनका क्या कहना पड़ रहा है? TI साहब बोल रहे हैं कि 1 घंटे में बस आ रही है या थाने में अंदर हो जाएगी। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर जा रहे हैं, अभी तक बस नहीं आई। अभी बोल रहे हैं कि धक्कापट्टी हो गई। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि बस अंदर आ जाए, बस का चालक अंदर आ जाए और बस का मालिक जो है वो यहाँ आके बोल दे कि जो भी होगा परिवार का जो भी है वो मैं करूँगा, और जैसे हमको न्याय मिले। हाँ, और हमको न्याय मिले। आपके साथ में जो अपराध व्यवहार किया उसको लेकर क्या पुलिस बदतमीजी कर, पुलिस बदतमीजी कर रही है, तो हमको यही कहना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।